नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन किया बाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान दिया है। जी हां, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि दिल्ली में एक बेटी के साथ निर्दयी घटना सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों ने बेटी को गाड़ी से कई किलोमीटर घसीटा। पीड़ित परिवार को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं। जी हां, और चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा है कि जिन्हें प्रशासन संरक्षण देते हुए घटना को एक्सीडेंट बताकर रफा दफा करना चाह रही है, हमारी मांग है कि पूरी घटना की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो न्याय के लिए दिल्ली में आंदोलन होगा। मैं कल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जाऊंगा। जी हां, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान दिया है दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना को लेकर कि अगर आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई प्रशासन के द्वारा तो मैं न्याय के लिए दिल्ली में आंदोलन करूंगा। जी हां, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं कल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर आऊंगा। जी हां, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आज उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मिशन के बाद। साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।